मुरैना में सर्दी का सितम बहुत तेज गति से जारी है। बीते 10 दिनों से जहां धुंध के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे, वहीं कल खिली हल्की धूप का परिणाम आज एक बड़े कोहरे के रूप में आया है। आप देख सकते हैं कि 100 मीटर की विजिबिलिटी है, यानी कि लोगों को लाइट जला के चलना पड़ रहा है। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं सड़क पर, मैं इस वक्त हाईवे पर हूँ और हाईवे के हालात यह है कि 100 मीटर से दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, घनी विजिबिलिटी है, जिसका परिणाम कि लोगों को सर्द का सामना करना पड़ रहा है, कड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कल का जो सुबह का तापमान था न्यूनतम, उसमें आधा डिग्री बढ़ा है, यानी कि कल सुबह 8 डिग्री था, आज सुबह 8.5 डिग्री हो गया। वहीं लेकिन न्यूनतम तापमान तो बढ़ा है, लेकिन उच्चतम तापमान 1 डिग्री नीचे आके आज 19 डिग्री पर ठहर गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मौसम के पूर्वानुमान ये माना जा रहा है कि आगामी 2 दिवस में वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस वर्षा के कारण लोगों को ठंड का सामना और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि 9 और 10 तारीख को मुरैना ही नहीं चंबल अंचल में एक बड़ी सर्दी हो सकती है। इस वक्त हम कृषि अनुसंधान केंद्र पर हैं, यहाँ के जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, हम उसे जानना चाहेंगे कि मौसम के क्या हालात हैं और लोगों को कैसे उससे बचना है और कड़ी ठंड का सामना कब तक करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम के बारे में, कल मौसम हमें राहत मिली थी, धूप हुई थी और जो न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम की बात करें तो वो 19 डिग्री सेल्सियस था अधिकतम और न्यूनतम जो 8 था वो 8.5। अब धीरे धीरे हल्की सी बादल है, इस वजह से तापक्रम जो न्यूनतम वाला है वो धीरे से बढ़ेगा, 9.5 तक जाएगा और जो अधिकतम वाला है वो कम होने लगेगा क्योंकि धूप कम होगी। अब कोहरे की बात करें कि आज बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है जो पिछले 5-6 दिन से नहीं था, हल्की धुंध थी परंतु आज कोहरा है। ये कोहरे का वजह ये था कि कल थोड़ा धूप निकली, राहत मिली, उसकी वजह से आज बहुत ही कोहरा है, जिसमें देखिए दृश्यता 100 मीटर लगभग पर हो रही है। हम देखें कि हवा की स्पीड की, जैसे आप पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों से ये ठंडी हवाएं चल रही थी परंतु हवाओं की जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी अब, क्योंकि कोहरा तो धूप की वजह से होता है और फिर भी अभी हवा चल रही है 4 से 5 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से, उसकी वजह से कोहरा ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और दोपहर में फिर मौसम साफ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्द हवाएं चल तो रही हैं, लेकिन उसका इस असर कोहरे पे नहीं है, क्योंकि धूप का बड़ा असर होता है कोहरे पे, आसमान खुला और कोहरा बरसा, बारिश की भी बड़ी संभावना है मौसम के पूर्वानुमान, इस वजह से लोगों को सतर्क रहना होगा। कैमरामैन शमशेर खान के साथ NDTV के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम।